वीएसटी टिलर्स आज स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में काफी अच्छा एक्शन है नतीजों के चलते, तो वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। वीएसटी टिलर्स आज मजबूत है, मजबूत नतीजे आए यहाँ पर। आय में करीब 48% की ग्रोथ, मुनाफा 82% बढ़ा है, जिसके चलते शेयर में आज तेजी है। जी शिपिंग के शेयर में भी आज करीब 7-8% की मजबूती है। आय और मुनाफे में शानदार ग्रोथ, मुनाफे में 280% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की। और एमी ऑर्गेनिक्स के भी नतीजे अब कुछ ही देर पहले आए थे, और फार्मा कंपनियों के नतीजे हम देख भी रहे हैं, काफी शानदार हैं। आय और मुनाफे में 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कुछ धमाकेदार एक्शन वाले स्टॉक्स मिड कैप स्पेस से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इनके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन दिख रहा है इस वक्त, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस वक्त मिड कैप में किस तरह का एक्शन है? वेल, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स से शुरुआत करते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय रियल्टी, ये तीनों ही जो रियल्टी प्लेयर्स हैं आज यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है। रियल्टी इंडेक्स तो सबसे हाईएस्ट गेनिंग सेक्टर है ही आज का, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि रियल्टी पैक के तीन नाम आज के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसके अलावा पूनावाला फिनकॉर्प की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी करीब 3% की तेजी नजर आ रही है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की, तो आवास फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं कि आज दबाव बना हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 2% से अधिक की गिरावट नजर आ रही है। अडानी पावर 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। पॉलीकैब और एपीएल अपोलो भी आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, करीब 2% की गिरावट इन शेयरों में भी नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक थीम्स का अब हम फोकस करेंगे, तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। शांति गियर्स, प्रिसिजन कैम शाफ्ट, लूमैक्स ऑटोटेक और ऑटोमोटिव एक्सल्स जैसे सारे ही ऑटो शेयर आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हालांकि थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स और GSFC, यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 1-4% की गिरावट इन सारे शेयरों में नजर आ रही है। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर कई सारे थीम्स हैं। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी भी है जिस पर लगातार फोकस है। ऑटो सेक्टर में हमने देखा, इनफैक्ट आज ऑफकोर्स आउट परफॉर्मर रियल एस्टेट स्पेस जरूर है, लेकिन ऑटो में जो लगातार एक्शन है उसके दम पर हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी काफी हद तक एक्शन नजर आ रहा है। तो कुछ थीम्स है जिस पर नजर रखेंगे। लेकिन वामाक्षी, क्या कोई खबरें भी हैं इसके अलावा? अगर हम देखें तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपनी एक नई ब्रांड को लॉन्च किया है। INKD उनकी होली ओन सब्सिडरी न्यू ब्रांड्स की तरफ से ये लॉन्च है, और इसी के चलते ये स्टॉक में 1% की से अधिक की तेजी नजर आ रही है। स्पाइस जेट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड SRAM एंड MRAM ग्रुप करीब $100 million इन्वेस्ट करी है स्पाइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में। और इनफैक्ट हमने देखा था कि कंपनी ने रिसेंटली अपनी हाइव ऑफ कर दी थी स्पाइस एक्सप्रेस इस सेपरेट एंटिटी में April 1, 2023 को। तो ओवरऑल इसी के चलते स्पाइस जेट फोकस में। इसके अलावा इजी ट्रिप भी हमारे रेडार पर है। कंपनी ने करार किया है स्विगी के साथ, एक पैन इंडिया ऑफर लॉन्च किया है जो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के कस्टमर्स को बेनिफिट करेगा, और इसी के चलते इजी ट्रिप प्लानर्स भी फोकस में। हिकर का कहना है कि कंपनी की USFDA एग्जामिनेशन हुई थी, उनकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन फैसिलिटी गुजरात में है वहाँ पर ये इंस्पेक्शन हुई थी, और FDA की तरफ से रिपोर्ट आई है 483 ऑब्जर्वेशंस के साथ। सो 483 फॉर्म में 0 ऑब्जर्वेशंस उन्हें नजर आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है हिकल के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 3% की तेजी के साथ हिकल कारोबार कर रहा है। और आखिर में ऑर्डर विन के चलते हम देख रहे हैं कि PSP प्रोजेक्ट्स में आज ये स्टॉक फोकस में है। न्यू वर्क ऑर्डर मिला है करीब 300 करोड़ का ये ऑर्डर है, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड करीब 18 महीने का है। तो ओवरऑल ये देखिए, इसी के चलते हम देख रहे हैं कि PSP में करीब 1.5% की तेजी नजर आ रही है। ओके, वामाक्षी शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ऑर्डर विंस के चलते हम देख रहे हैं एक्शन है, कुछ स्पेसेस हैं जहां पर मजबूती लगातार नजर आई, और ऐसा एक स्पेस है रियल्टी इंडेक्स। नीरव, आपसे जानना चाहेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और हम देख रहे हैं लगातार रियल एस्टेट सेक्टर में एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें आ रही हैं जिसके चलते यहाँ पर मजबूत एक्शन देखने को मिला है। चाहे फिर न्यूज फ्लोज हो, रिजल्ट्स हो, सब कुछ काफी अट्रैक्टिव। इस वक्त भी देखेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस के काउंटर को, देखें जबरदस्त तेजी। DLF, शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 5-10% के आप मूव दिखा रहे हैं। आपकी राय रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या होगी? ये सेक्टर बारिंग कपल ऑफ स्टॉक्स एक मंदी के दौर से गया था पिछले 1-1.5 साल में। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर बीटन डाउन।
उसके बाद एक बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है जैसे आपने बताया। मेरे हिसाब से ये जो रिवर्सल है इट इज हियर टू स्टे और एक लंबा सफर तय करेगा ये इंडेक्स। हैविंग सेड दैट देर आर फ्यू स्टॉक्स जो अभी अभी जस्ट ब्रेकआउट के ऊपर आए हैं और उसमें से एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इवन दो स्लाइटली लार्जर कैप, मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से बाइंग करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक में 2500 से ऑलमोस्ट 1000 के लेवल्स दिख चुके थे, वहां से एक अच्छा रिवर्सल आया है, विथ वॉल्यूम्स आया है, डिलीवरी बढ़ गई है और ओपन इंटरेस्ट सबसे कम हो गया तो शॉर्ट कवरिंग आ गई है। तो यहाँ से आप गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल ही खरीद सकते हैं 1325 के स्टॉप लॉस से जो उसका ब्रेकआउट लेवल है। अब यहाँ से जो अपसाइड है ऐसा लग रहा है कि 1650 से अराउंड 1800 ये लेवल्स तक ये स्टॉक आ सकता है और काफी जल्द आ सकता है, तो इसे बाय करें। दूसरा एक स्टॉक है डीएलएफ, वो भी थोड़ा लार्जर कैप है। लार्ज कैप में देखिए पहले थोड़ा ब्रेकआउट आ चुका है तो उस पे ज्यादा फोकस करिए ये स्पेस में एटलीस्ट। तो डीएलएफ एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन, अबाउट 1.5 ईयर कंसोलिडेशन ब्रेक करके आज ब्रेकआउट दिया है अराउंड 440 के पास में। तो यहाँ से आप 440 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद सकते हैं, करंट लेवल से भी खरीद सकते हैं। अब इसका जो अपसाइड है काफी लंबा लगता है, देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 550 से 600 ये नियर टर्म में कर सकता है, तो ये लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 430।